Muhammed onunki selameti gül ilk defa salavat ve işte. Allahumma salli ala Muhammed ve ali la hala ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mu'la ve ni'mel nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقران المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيتكم अज़ीज़ान मोहतरम माए रमज़ान का दूसरा दिन खुदा की बरकतों रहमतों के साथ तौफीक हुई है कि गुज़र गया। जुम्मे का दिन था, जुम्मा ख़ुद अयाम के अंदर ईद का दिन कहलाता है और जिस तरह बहुत सारी हम बाकी ईदें मनाते हैं, ईद उल फ़ित्र, ईद उल ज़ुहा, ईद क़दीर है, जुम्मे का दिन भी अयाम में ईद से और आदाब जुम्मे के जो हैं वो रवायात में बहुत ज़्यादा आए हैं। कोशिश करनी चाहिए हमें बहरहाल उनको अंजाम दें, ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन। जुम्मे का गुस्ल जो है वो बहुत मुस्तहब सुन्नत मौकदा है कि अगर आपको ये डर हो कि आप जुम्मे का गुस्ल नहीं कर पाएंगे तो एक दिन पहले कर लें रजा की नियत से, और अगर आज आपसे छूट जाए जुम्मे के दिन तो आप बाद में कज़ा की नियत से भी कर सकते हैं। इसके क्या असरात हैं, इसका क्या फ़लसफ़ा है, यकीनन इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं कि जो शायद हमें ज़ाहिरन नज़र नहीं आती हैं। ये जो रिवायात में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इस दिन नाखून काटे, इस दिन नहीं करें, इस दिन जो चीज़ें हमारी रिवायात, बहुत सारी चीज़ें तो हमने खुद भी बनाई हुई हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, जो रिवायात में जो हमारी ऑथेंटिक बुक के अंदर है उनकी बात कर रहा हूँ। उसके हमारी बदन के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। आज जो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हैं, दुनिया की चीज़ों के, उसकी वजह ये है कि हमने सुन्नत इलाही को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। हम चाहे खाने पीने की बात करें, चाहे सोने की बात करें, कितनी सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ें जो हैं वो आज साइंस जो है वो कई चीज़ों को कहती है कि इसको अंजाम दें, जबकि 1400 साल पहले रसूल खुदा बहुत सारी चीज़ें फरमा गए हैं। जैसे बच्चों को हम कहते हैं दिन में 2 दफ़ा ब्रश किया करो, सोने से पहले करो, सुबह उठ के करो। खूब ये रसूल खुदा जो हैं वो हत्ता रसूल खुदा मसवाक के लिए कहते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा वो था कि मैं ज़्यादा नहीं तलकिन करता कहीं वाजिब ना हो जाए। इतना रसूल खुदा फरमाते थे हर नमाज से पहले मसवाक करे इंसान। मसवाक अब ज़रूरी नहीं है कि आप मसवाक कोई, अगर वो डंडी मिल जाए मसवाक की जो है वो तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, ब्रश कर सकते हैं तो ब्रश करें, बहरहाल करें, साफ करें। बहुत सारी चीज़ें दांतों के ज़रिए से बदन के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो खाने के ज़र्रात हों, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो कुछ भी हो। और मसवाक का मैंने भी कुछ अर्से प्रैक्टिकल करके देखा, खुद जो मसवाक है वो जो स्टिक वाली मसवाक है उससे करने से, दांत साफ करने से इंसान का इरादा कवी होता है। यानी इंसान बाज़ अवकात कहता है ये कम करना चाह रहा हूँ मैं, और रमज़ान में ज़्यादा इंसान को इरादे की ज़रूरत है। मसलन मैंने नियत की है रोज़ कुरान पढ़ूंगा और मसलन पूरा 12 पढ़ूंगा, खूब नहीं पढ़ पाता मैं,
मैं इतनी बाकी चीजें करता रहता हूँ, मेरा इरादा कभी नहीं हो पा रहा, चाह रहा हूं मगर नहीं कर पा रहा, यानी मेरा इरादे में ज़ाफ पाया जा रहा है, तो मैं उस ज़ाफ को बहरहाल किसी तरीके से पूरा करूं। तो ये छोटी चीजें जो है ये हमें करनी चाहिए। जुम्मे के दिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज है वो सलावात है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, इसके अपने असरात है। सलवात तो आप जितना भेजें कम है दुनिया में, ये वैसा जिक्र है कि जैसे परवरदिगार कहता है कि मैं भी करता हूँ, मलाइका भी करते हैं, तो मोमिनीन भी करना चाहिए, क्योंकि सब सलवात भेज रहे हैं किस पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इसके अपने असरात हैं ये चीज़ें सर, हमें ये बहुत ज़रूरी हैं आने वाली नस्ल को बताना जाना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे दीन आँखें बंद करके दीनदार हैं, यानी वह सब करते थे हम भी करते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ों की हमें आज की नस्ल लॉजिक मांगती है, आज वो कहती है कोई रीज़न पेश करें, तो आपके हमारे पास रीज़न होने चाहिए, क्योंकि दीन ऐसा थोड़ी है हमारा कि मतलब आंखें बंद करके उठ गए थे, तो दीन लॉजिकल रीज़न है, दीन के हर काम में हिकमत है। जब रसूल खुदा कहते हैं सोने से पहले वॉशरूम जाओ, यानी इसी में हिकमत है कि ताकि इंसान अपने जो है वो शिकम को खाली कर कर जब सोता है, खाना जो है वो रात का हल्का खाओ और सोने से कुछ घंटे पहले खाओ, ये सब रिवायात के अंदर आदाब क्यों है, क्योंकि तुम पुरखोरी करोगे, तुम ज्यादा खाओगे, फजर की नमाज में उठना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और जब इंसान रात को ज्यादा खाता है तो फिर ख्यालात ख्वाबात भी उसी वजह से आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मौलाना साहब मैंने ये ख्वाब देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, जब हमने अपने असातीद से पूछा तो कहने लगे इससे पूछो रात को खाना कब खाया था इसने, ज़ाहिरन तो उसके जहन में पता नहीं क्या आ रहा है कि पता नहीं ख्वाब में मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें इंसान की अपनी हैं, क्राफ्टेड अमल की वजह से हैं, लेकिन क्योंकि सुन्नत इलाही का ना तस्करा है ना अमल है, तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, माह रमज़ान है, मैं अब इसके अलावा और आपको क्या बताऊँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक तो खुदा मुहर्रम में आने की, तो मुहर्रम में अलग तरीके से इंसान मजालिस पढ़े, लेकिन माह रमज़ान में तो यही सारी बातें हैं जो कि हम आम पूरे साल में हमें तौफीक नहीं होती है गुफ्तगू करने की और ना हमें सुनने की, आप भी नहीं सुनेंगे रमजान के अलावा मैं ऐसी बातें करूंगा, आप बोले मान साहब क्या हो गया, ये बातें फिर कभी कीजिएगा, अभी तो हम मजलिस सुनने आए हैं। मसला है कि मजलिस भी हमने अपनी मर्जी की सुननी है, वो जो आया हुआ है हौजे से उसको नहीं सुनाना कि वो अपनी मर्जी से सुनाए आपको, बेहतर जानता है काला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, काला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम क्या है, नहीं मजलिस भी अपनी मर्जी की चाहिए, मर्जी की नहीं आएगी तो बाहर बैठे रहेंगे हम लोग थोड़ी देर तक, फिर आखिर में अंदर आएंगे थोड़ी देर के लिए कोई बहरहाल, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है चाहे आखिर में कोई आए चाहे पहले कोई आए, आना ज़रूरी है, आते रहें, किसी को ये ना बोलेंगे देखें ये तो बड़ी देर में आते हैं अंदर देर, नहीं आना चाहिए, इस दर से जो जुड़ा रहेगा वो गुमराह नहीं होगा, चाहे वो मजलिस सुनने आया चाहे वो मातम करने आया चाहे वो न्याज खाने आए, जब बोलेंगे ना आप तो बिल्कुल आखिर में आते हैं जब न्याज जरूरत होती है, कोई नहीं ये शायद न्याज की बरकत उसको कहीं ना कहीं ले जाए, कम से कम हलाल लुकमा तो खा रहा है, उस दुनिया के हराम लुकमे से तो कहीं बेहतर है जो दुनिया हराम लुकमे खा रही है। तो बहरहाल यहाँ आना जरूरी है, लेकिन जाना फिर वो ना जाए जो आया था, जाए वो जो तब्दील होके जाए, ये दर ऐसा है कि यहाँ हुर आया था और हुर अलैहिस्सलाम वापस गया है, वो जरूरी है कि मैं आ तो गया वो भाग गया, वो अव्वल तो मैं खुद नहीं आ सकता, जब तक वो बुलाए नहीं तो मैं नहीं आ सकता, वो अगर उन्होंने बुलाया है तो फिर मेरी ज़रफ़ियत के मैं कि मैं यहाँ से खाली हाथ ना जाऊँ, इस दर से बरकतों को समेट के लेके जाऊँ, उठ के लेके जाऊँ, ये जगह आसान नहीं है। जाने मतलब दुनिया के इज्तमा होते हैं, आज भी होते हैं, दुनिया जिक्र भी कर रही है, हर तरह का जिक्र कर रही है, लेकिन जिस मजालिस और महफिल की बुनियाद विलायत अली जिब्न अबी तालिब ना हो वहाँ जिक्र खाली हवा है, खाली बातें हैं, ख्यालात हैं, तोहमात हैं, ना इस दुनिया में किसी कमाल पर पहुँचा सकते हैं ना आखरत में किसी कमाल पर पहुँचाएंगे। तो हम शुक्र करें कि हमारी मजालिस और महफिल की बुनियाद विलायत अली इब्न अबी तालिब है, ज़ाहिर है क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दुरूद भेजे इमाम फरमाते हैं तुम नमाजें पढ़ लो, इतनी नमाजें पढ़ लो, इतने सजदे कर लो, इतनी हजें कर लो, सब कर लो, सारा दिन तुम यानी रोजे की हालत में रहो, सारी शब तुम रात को खड़े होकर इबादत करो और पूरी जिंदगी गुजार दो ऐसी, मगर अगर तुम्हारे दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं है तो ये सारी नमाजें बातें तुम्हारे मुंह को मार दी जाएंगी। तो हम खुदा का शुक्र करें हज़रत मोहतरम कि हम इस विलायत से मुतमस्सिक हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि देखें हर किसी को मौला की मारिफत बहुत कमाल पर हो, नहीं है,
جب امام کے صحابیوں کی معرفتوں کے درجات تھے تو میرے اور آپ کے بھی درجات ہو سکتے ہیں. خوب ایک آدمی جس طرح ہی بہرحال سمجھتا ہے اس کو سمجھنے دیں. اب میں اگر چار باتیں جان لیتا ہوں تو میں سامنے والوں کہتا ہوں لو اس کو کیا پتا مولا کیا تھے. بھائی اس کا بھی مولا ہے, اس کو بھی سمجھنے دیا. آج تو طارق جمیل صاحب کے کلپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بلاسٹ مارا ہوا ہے پورا, ہر بندے نے جو ہے وہ اس کو شیئر کیا ہوا ہے فیس بک پہ. تو بہرحال انہوں نے مجھے نہیں پتا بیان ان کا کتنا, یقیناً پرانا نہیں ہوگا کہ نیا بیان ہی ہے. اور جو مزے کی بات تھی اس بریکٹ میں میں نے دیکھا جو انہوں نے کہی اور یہ کہی کہ میں نے کچھ دن پہلے یہ غور کیا. شکر ہے بہرحال کچھ دن پہلے ہی غور کر لیا, مگر کر لیا غور انہوں نے. اور غور کیا انہوں نے کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اور پھر انہوں نے تصریح بھی کی کہ دیکھیں مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. ہم تو پچھلے کئی سو سال سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. چلے شکر ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میں اب حضرت علی نہیں کہوں گا, میں مولا علی کہوں گا. اور کہیں کہ شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ مولا علی ہے. ماشاء اللہ. وہ تو یہ تو بہت سال پہلے ہو خدا, بہرحال ہر آدمی کا ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ عالم برزخ میں کیا مقام ہے, لیکن وہ مصطفیٰ فتح علی خان یہی کہتے تھے کہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. تو بات یہی ہے کہ وہ کہنا تو ہے سب نے. اور دیکھیں اگر جگہ نہیں ہے, فرار نہیں ہے ولایت سے, آپ کچھ بھی کر لیں. جس جنت کی تمنا میں آپ روزے رکھ رہے ہیں, جس جنت کی تمنا میں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, جس جنت کی تمنا میں آپ سجدے کر رہے ہیں, اس جنت کے دروازے پر جب آپ جائیں گے, حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو, جب آپ جائیں گے تو جب آپ تکل باب کریں گے, وہ جو جنت کے دروازے کی کونٹی کھٹکھٹائیں گے تو اس سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے. تو اگر تو یہی تعلقات بنا لیے مولا سے تو وہاں کہاں آئیں گے, لیکن اگر یہاں تعلقات نہیں بنائے تو وہاں بھی کام نہیں آئیں گے. دنیا کا رول ہے یہ. تو آج آپ پی آر بناتے ہیں کس سے, کبھی اسپانسر سے, کبھی کسی لوکل سے, کہ شاید کبھی کوئی کام نکل جائے. پاکستان میں تو لوگ بڑی پی آر بناتے ہیں نا, منسٹر سے, اس سے, اس سے. آج کل لوگ مولویوں سے بھی پی آر بناتے ہیں کہ مولانا کے بھی کوئی تعلقات ہو ہی جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو نکال ہی دیں گے. لیکن بعض اوقات بےچارا مولانا معاشرے میں یا نکاح پڑھواتا ہے یا بےچارا جنازہ پڑھاتا ہے, اور اس کے علاوہ مولانا کو کیا, ارے مولانا کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جی آپ ہی کو سب کچھ پتا ہے جو دنیا میں, کہ جب پھنستے ہیں تو پھر آپ مولانا کے پاس آ جاتے ہیں. تو بہتر ہے مولانا سے بھی پی آر اچھی بنا لیں, کیونکہ جنت کی فلائٹ مولانا کے پاس ہی ہے. باقی فلائٹوں کی آپ ٹکٹ کہیں اور سے لے لیں گے, لیکن جنت کی فلائٹ کا ٹکٹ اس ٹائم مولوی کے پاس ہے. اور کیوں نہ ہو, جس در کے بہلول جنت بانٹتے ہوں اس در کے طالب علم کیوں نہیں جنت بانٹ سکتے. تو بہرحال گھبرائیں نہیں, اب آپ بولیں گے مولانا جنت بانٹنے آئے ہوئے اس سال عمان میں, ہم بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ. جنت خدا کی ہے, جنت رضا الہی ہے. خدا کی رضا علی کی مرضیوں میں پوشیدہ ہے. اگر اس ولایت کی مرضی پر زندگی گزر گئی جنت ہے, اور اگر اس ولایت کے مخالف رہے, یعنی زبان سے تو رہے مولا کے ماننے والے لیکن عمل میں پیچھے رہ گئے, تو ہماری اپنی شرمندگی ہے عزیزان محترم. یعنی وہاں پر جب قیامت میں برپا ہوگا تو وہاں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم تو مولا کے ماننے والے تھے اور کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی ہمیں اپنی زندگی میں ہی صحیح کر کے جائیں, تاکہ جو ہے وہ میں وہاں شرمندگی نہ ہو عزیزان محترم. یہاں آپ کو مجھے بعض اوقات, میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلط کام کروں, میں اپنے استاد کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں. جب میں اپنے استاد کے سامنے جاتا ہوں, اور وہ استاد ایسے نہیں ہے کہ مجھے ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے, وہ میری شکل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کیا کر کے آیا ہے, میں ان کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے, اللہم صلی علی محمد. آغا بہجت فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ استغفار کر کے آیا کرو. کیوں؟ کیونکہ آغا بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی. اصلی شکل کیا ہے؟ یہ میری اصلی شکل نہیں ہے, یہ میری ظاہری شکل ہے. میرے اندر میرے نفس کی جو شکل ہے, جو میرے عمل کی وجہ سے ہے,
अगर मेरा अमल अच्छा है तो अच्छी शक्ल है, और अगर मेरा अमल बुरा है तो मेरी शक्ल मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों में है। जितना बदतर अमल खुदा ना खास्ता उतना बदतरीन जानवर हूं मैं, और जितना बेहतर होऊंगा उतनी शक्ल मेरी बेहतर है। तो इसलिए फरमाते थे कि जब मेरे पास आओ तो इस्तग़फ़ार कर कर आया करो, क्यों? ताकि मैं तुम्हारी सही शक्लें ना देखूं। यानी इलाही नुमाइंदे थे, खुदा गफ्फार है, सत्तार है, खुदा है, तो ये भी अपने आप को उसमें तो हम नहीं देखना चाहते तुम्हें। बहुत बड़े आलिम दीन थे, नजफ अशरफ के अंदर और जैसी मौला की ज्यारत पे जाते थे, लेकिन जब बाहर आते थे तो अपनी अबा को अपने चेहरे पर ढांप के आते थे, तो उनका शागिर्द दरवा को उन्हें देखता था कि ये क्या करते हैं। एक दिन सामने आ गया, कहा मुझे इसका राज बताएं, कहा मैं नहीं बताऊंगा, कहा नहीं मुझे आप बताएं, जाते तो आप सही हैं, वापस आप अपने आप को छुपा के आते हैं कि किसी को आप देखे नहीं। तो कहते हैं कि मैं एक शर्त बताऊंगा कि तुम जब तक मैं जिंदा हूँ इसका जिक्र किसी से नहीं करना। कहता मैं नहीं करूँगा। कहा कि मैं जब अंदर जाता हूँ मौला की ज्यारत पर तो मौला मेरे आगे हिजाबात हटा देते हैं कुछ देर के लिए, तो मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे लोगों की असली शक्लें नजर आती हैं, लेकिन ये देर अमल थोड़ी देर का होता है, तो मैं नहीं चाहता कि जब ये कम हो जाए तो मैं दूसरे लोगों को वैसे ही देखूं जैसे वो असली हैं, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं ये अबा को ढांप कर आता हूँ। ये औलिया खुदा ऐसे थे अज़ीज़ाने मोहतरम। हम आज बड़े आराम से बैठे हुए ड्राइंग रूम में मुश्ताहिदों पे उंगलियां उठाते हैं कि ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया, हमें तो दीवार के उधर नजर नहीं आता। हम तो फोन पे किसी से बात करें दो चार दिन बाद दस दिन बाद उसकी आवाज नहीं पहचानते। ये दीवार के उधर नहीं, ये तो हमारे आखिरत तक के मामलात को देख लेते थे। क्यों? क्योंकि ये उस घराने के नौकर हैं, इन्होंने जो पाया है इन्हीं जरियों इन्हीं हरमों के सजदे सुजूदों से पाया है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी इतने बड़े दुनिया के इस टाइम बड़े फिलोसफर में से हैं। मैंने हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु उनकी जरी के सामने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सामने खड़ा होता है, कैसे क्रिया कर रहा होता है। यही दर है देने वाले, हम ले नहीं पा रहे। इसीलिए इंसान को अपने अमल को, मैं तो नहीं जानता आपके अमल, आप मेरा अमल नहीं जानते, मैं तनाई में कैसा हूँ आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मगर ये औलिया खुदा जानते हैं। जब इनके पास जाओ तो इन्हें पता चल जाता है, और ये डॉक्टर हैं बेसिकली, रूहानी डॉक्टर हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको डॉक्टर नहीं बताते, बस ये हुआ था ये हुआ था, तो वो खुद आपकी नफ्स चेक करता है, आपके चेहरे के रंगत से आपकी चीज़ों से पहचान जाता है आपको दर्द जो है वो माइग्रेन का है, भूख का है, यह सर दर्द आंख का दर्द है, वो आपको बता देता है कि आंखें टेस्ट कराएं, वो आपको बता देगा माइग्रेन। आप खुद क्यों नहीं गोली खा लेते? क्योंकि आपको नहीं पता, आप स्पेशलिस्ट नहीं है। आप आंखों के दर्द की वजह से सर दर्द में पैनाडोल नहीं खाएंगे, आप आंखें टेस्ट करवाएंगे, चश्मा पहनेंगे। लेकिन दीन के मामले में हम सब मुश्तहिद हैं, दीन के मामले में हमारी रुजुआत मराजात नहीं नहीं, अरे अरे मौलाना को क्या पता, अरे मुश्तहिद को क्या पता, हमें सब खुद पता है। और हम इतने ज्यादा दीनदार हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, यानी हमसे ज्यादा मजहब की मालूमात तो खैर हमें होती नहीं है, लेकिन हम फतवे देने में सब ओके, फतवा ले लें आप सबसे, आराम करा दिया ये करा दिया। यानी आप देख लें कि हम किस नहज पर हैं। मुझे कल पंजाब से किसी ने कल या परसों फोन किया, पूछा कि मुझे ये बताइए कि आपस में गुफ्तगू हो रही है कि जो रोजे की हालत में मर जाए वो काफिर मरता है। अब ये वहाँ हैं जहाँ उलमा लागरीन हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा जंगल है कि जहाँ कोई आज तक गया ही नहीं है, नहीं, यहाँ बहस हो रही है, शर्ट लगी हुई है। चलो मौलाना जानने वाले मौलाना निकल आए तो व्हाट्सएप पे मौलाना को तो लोग फ्री में हैं, मौलवी तो मसला ही नहीं, पूछ लेते हैं उसका। तो खुदा का शुक्र है, बहरहाल ये भी तौफीक लाई है बहरहाल आजकल इसकी वजह से इंसान तो क्या है रोजे की हालत में काफिर मरे। मैंने कहा अब्बल तो खुदा का बंदा इबादत में, रोज़ा इबादत है, रोज़ा खुदा के करीब करता है, रोज़े में इंसान की सांसें इबादत हैं, इस अमल में अगर जा रहा है तो खुदा के बेहतरीन है वो, करीब है, क्या हो गया है कि वो काफिर मर गया? क्यों? वजह क्या? वजह ये कि जहाँ से दीन लेना है वहाँ से नहीं ले रहे दीन, फेसबुक से और यूट्यूब से ले रहे हैं, फेसबुक का फतवा यूट्यूब का फतवा। मैं लंदन में था तो वहाँ कॉल आई एक मोहतरमा की, वहाँ साहब फलाने मसले पर जो है वो, मैंने कहा आप किसके मुकल्लिद हैं?
तो वो नहीं, हमने तो वो YouTube पे देखा है, तो मैंने फिर YouTube से तकलीद करें और YouTube से पूछें फिर आप क्यों, क्योंकि हमने असल में दीन को समझा हुआ, मसला ही कोई नहीं। अजाने मोहतर, अगर दीन मसला नहीं था या इतना हल्का था तो 1,24,000 क्यों भेजे परवरदिगार ने उन छोटे छोटे कबीलों में। बनी इसराइल ने 300 नबियों को तुलुए बैन अल हरमैन जो है वो शहीद कर दिया। खुदा का खुदा दीन को अहमियत दी। मौलाए कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो नेमत जिसका तुम सबसे ज्यादा शुक्र करो वो क्या है? दीन इस्लाम है। यानी ये वो नेमत है जिसका तुम सबसे ज्यादा शुक्र करो। और दीन कामिल ही विलायत अली इब्न अबी तालिब पर हो रहा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन हमने मुकम्मल कर दिया इस विलायत के साथ। अब ये हमने भी जो विलायत ली हुई है ये बस हमने बस बातों में ली हुई है, अमल के पैरोकार। मैं आपको नहीं कह रहा खुदा ना खास, तो मैं अपने आप को कह रहा मेरा अमल नहीं है अच्छा, जैसा एक मौला का मानने वाला शिया होना चाहिए, मैं वैसा नहीं हूं। अच्छा, मैं अपने आप को बड़े आराम से, अब वो कहां हम लोग कहां वो कहां हम लोग, अगर जो उन्होंने बातें की थी हमारे अमल के लिए नहीं थी तो फिर वो मार्स में जाते या प्लूटो में जाते या किसी और गैलेक्सी के अंदर जाते, जो मिल्की वेव गैलेक्सियां हैं वो कहीं और जाते। तो कायनात तो आपको देखे ना आजकल जो है वो एक सूरज के दूसरे सूरज तक एक के फासले पर पता नहीं 8,000 माइल के फासले पर कायनात इतनी बड़ी है कि अभी तक दर्द पे दर्द नहीं कर पा रहा इंसान। और अभी तो सिर्फ एक स्टेज नहीं हो रही है, बाकी जो ब्लैक होल्स हैं वो कुछ और हैं, फिर उसके बाद पता नहीं कहीं। ये सिर्फ मादियत है, ये बरज़क नहीं है, बरज़क इसके 8 गुना बड़ी है। और कयामत तो वहां पर तो हर शख्स के लिए जो मकाम है वो एक अलग है। यानी अगर हम सिर्फ खालिक की इस मखलूकात को देख लें तो हम सर सजदे से कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। आयतुल्लाह अज़्म बहजत यही फरमाते थे, अगर तुम्हें खुदा के वजूद का एहसास हो जाए तो कभी भी तुम गुनाह नहीं करोगे, क्योंकि हमें एहसास नहीं है खुदा का, खुदा है भी कि नहीं है। जबकि मौला कायनात क्या फरमा रहे हैं, मैंने अपने इरादों को टूटने से परवरदिगार को पहचाना। आजीज़ाने मोहतरम, हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, हमें मारिफत से दूर किया जा रहा है, हमें कहा हम नहीं कर सकते, हमारा क्या काम है, हमें क्या जरूरत है। नहीं आजीज़ाने मोहतरम, कौन पढ़ेगा? इस मकतब के मानने वाले अगर नहजुल बलागा नहीं पढ़ेंगे, इस मकतब के मानने वाले अगर सहीफ़े सज्जादिया नहीं पढ़ेंगे, इस मकतब के मानने वाले अगर कुरान और तफसीर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? सही तफसीर किसके पास है? कुरान की। कुरान जिसे कुरान जब नेजों पे उठाया गया तो मेरे मौला ने क्या कहा था, मैं ना देखे कुरान हूं। ये सामने थे कुरान, अलबत्ता वो भी खाली डब्बे थे, कुरान नहीं था, नहीं फिर भी मामला कहा कि मैं नाते के कुरान हूं, मुझे छोड़ रहे हो। महाराज अब अपने दिल पर हाथ रखें, जुम्मे का दिन था, गुजर गया, नाते के कुरान जो हमारे दरमियान में मौजूद है कितना मैंने उसे याद किया। कुरान सामित हमारे पास है, नातिक गैबत के पर्दे में है, सामित को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। खुतबे शाबानिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा ने क्या इरशाद फरमाया कि कुरान तिलावत करो। अब हमारे शुरू हो जाता है बात से, जो मैं मौलाना नजीब जरी साहब किबला मौजूद नहीं है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है अभी ये खुतबे शाबानिया की तशरीह पर, और बहरहाल उन्होंने लुत्फ किया कि मुझे भेज दिया, तो उसमें से मैं चीज़ें नयाम में आपकी खिदमत में देता रहूँगा। कुरान हम हमारे यहाँ क्या चीज़ गलत राइज है, माह रमज़ान में कुरान शुरू कर दिया तो पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। एक ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि भाई पढ़ते नहीं है क्यों, वो पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। कुरान सूरह मुज़म्मिल में खुद कह रहा है कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। भाई पूरा पारा पढ़ सकते हैं, पूरा पारा पढ़ें, आधा पारा पढ़ सकते हैं, आधा पारा पढ़ें, एक जूस पढ़ सकते हैं छोटा, एक क्वार्टर पढ़ सकते, क्वार्टर पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ सकते हैं, एक सफ़ा पढ़ें। हदीस में है कि जो इस माह में एक आयत की तिलावत करेगा उसे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा।
अब आप जितनी आयतें पढ़ेंगे उतने कुरान का सवाब है। सूरह हंद पढ़ी आपने, 7 दफा कुरान का सवाब मिल गया आपको। अब इससे आसानी और क्या है मुझे बताएं। अब आप बोले मौलाना आप खुद ही पढ़ लिया करें, हमें सवाब बचते हैं, मैं यही कर सकता हूँ, मैं आप सबको सवाब बचूंगा जो मैं पढ़ूंगा। मैं खुद भी तो कुछ करूँ, मैं ज्यादा मोहतरा को थोड़ी सी तो हिलजुल होनी चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम निकाल ले आपने। अब रमजान में हमें यहाँ बड़ी आसानी है आजकल, जैसे बाहर जो ऑफिस 1-8 बजे बंद हो जाते हैं, फिर शाम को खुलते हैं, फिर गैप है, हम खुश बहुत हैं। लेकिन खुशी किस बात की है? नींद पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये भी हदीस में है कि जो इस महीने में सोएगा सोना भी सवाब है, लेकिन ये सोना कहीं चांदी भी ना बदल जाए, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा आदमी सोए भी सही, थोड़ा सा कुरान भी पढ़े। तो कितना अच्छा माहौल हो आप घर में बैठे हुए, अगर घर वाले किचन में मसरूफ हैं, आप अगर बैठे हुए हैं, आप कुरान खोल लें, पढ़ लें, बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या मानवीयत है। हदीस में अजीजान मोहतरम, वो घर जिसमें कुरान की तिलावत होती है अहले आसमान के लिए, अहले अर्श के लिए, जिसमें मलाइका भी शामिल हैं, उनके लिए ये घर सितारों की तरह चमकते हैं, जैसे हमारे लिए तारीकी में सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की शोहरत अर्श पर हो तो कुरान की तिलावत करें, मगर क्योंकि हम मादियत में इतने घिरे हुए हैं, इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, कौन पढ़े। अच्छा, अभी कुरान और रमजान शुरू होता है तो हमारे यहाँ मैसेज भी शुरू हो जाते हैं, भाई कुरान पढ़ने के अलावा फिक्र भी करनी चाहिए, तदब्बुर भी करनी चाहिए। वो कहता है मैं पहले पढ़ नहीं रहा था, फिक्र कौन करेगा, चलो भाई ये भी नहीं हो रहा हमसे। नहीं है, देखे कुरान का देखना सवाब है, कुरान का सुनना सवाब है, कुरान का पढ़ना सवाब है, और फिक्र तदब्बुर तो उसका अगला मरहला है। लेकिन आप बिस्मिल्लाह तो करें थोड़ी सी, आप पहले पढ़ लें, आप ना फिक्र ना करें फिलहाल, तदब्बुर ना करें, आप पढ़ना शुरू कर दें कम से कम, पढ़े तो सही कम से कम। अब इस चक्कर में भाई भाई हम कुरान पढ़ते नहीं है, हम लोग फिक्र करने वाले लोग हैं कुरान पर, वो इस चक्कर में हम पढ़ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है जाने मोहतरम, माहे रमजान में तिलावत का अलग सवाब है। कुछ नहीं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, मोबाइल आप सबके पास है माशाल्लाह, आप उसमें लगा लें, आधे घंटे के तो सॉफ्टवेयर आ गए कि आधे घंटे में आपके पूरे कुरान के पारे की तिलावत है, वो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप कान में लगा लें सुनते रहे काम उसको। यानी इतनी आसानी के बावजूद भी अगर मैं इस कुरान से दूर हूँ अजीजान मोहतरम, और ये जैसे सामत कुरान नाते के कुरान है, तो ये सामत इमाम है, जब मैं सामत इमाम के करीब नहीं जा रहा तो कल मैं असल इमाम के करीब कैसे जाऊंगा। खुलमा फिक्रिया है कि आज कुरान नहीं है मेरी जिंदगी में, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले, सीनियर उलमा आ जाते हैं थोड़ी हमें टेंशन भी जाती है कि गलती वलती हो गई तो ये बाद में फिर साइड पे ले जाएंगे। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह करे गलती ना हो, और आप लोगों को तो मसला नहीं है, हम कुछ भी पढ़ते हैं टेंशन नहीं है, सीनियर लोगों के लिए मसला होता है हमारे लिए, ये ना ये बाद में जाके बोले ये कहाँ से पढ़ा था मैंने, तो बहरहाल अल्लाह ताला देखे हम सही बातें पढ़ें। तो इनकी सेहत और सलामती के लिए एक दफा सलावत पढ़ते हैं, तो अजीजाने हम पढ़ने की आदत डालें, आप थोड़ा सा पढ़ें कुरान, कोशिश करें, देखें ये एक छोटी सी तब्दीली है। और कुरान की जो तिलावत है वो ये समझ के करेंगे कलामे इलाही है। आप दुनिया में देखें ना, देखें दुनिया को आप देखें, ये वो किताब है कि जो दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब है, ये वो किताब है कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, ये वो किताब है जो कलामे इलाही है, अल्लाह का कलाम है, और जाहिर इसका ये है इसके बातिन तो कतई कितने पोशीदा हैं, इस चीज के असरात हैं। सिर्फ ये नहीं है आप सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, इसके कुरान की तिलावत के आपके बदन के ऊपर असरात हैं, बॉडी के ऊपर असरात हैं आपके ऊपर। वो चाइनीज जापानी जिसने जो रिसर्च की थी, उसने पानी के ऊपर रिसर्च की, अल्फाजों को पानी सामने रखा और अल्फाज उसके अतराफ में रखे, बुरे अल्फाज जो भी आम माशरे में बुरे होते हैं, तो उसने देखा कि पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं और उनकी शक्लें खराब हो रही हैं। फिर उसने अच्छे लफ्जों को पानी के पास रखा, जैसे मोहब्बत, माँ, ये वो यूनिवर्सल वर्ड हैं जो हर जगह अच्छे लफ्ज हैं। तो उसने देखा कि पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, फिर इसने पानी अपने सामने रखा और कई लोगों को फोन किया, कहा कि अपने जहन में इस पानी को रखो और अच्छे लफ्ज सोचो। तो जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो पानी के मॉलिक्यूल तब्दील होना शुरू हो गए। यानी दुनिया
आपके अंदर आपकी सोचों के असरात मुरतब होते हैं। बाज़ औक़ात आप सोचते हैं कि ये काम नहीं होना, नहीं होना, अरे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होता, क्योंकि आप खुद अपने वजूद से उस नेगेटिव थॉट को क्रिएट कर रहे हैं और असबाब आपके सामने ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन वही मोटिवेशन फैक्टर, आप बोले नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैं कोशिश करूंगा, आप कोशिश करें, खुदा असबाब क्रिएट करना शुरू कर देता है, काम हो जाता है। इंसान इंसान ताकतवर है। छठा इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मर्द अपने इरादों के साथ परवाज करता है। इंसान के इरादे का भी होने चाहिए। खैर, उसने देखा कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स तब्दील हो रहे हैं, फिर उसने देखा कि सबसे बेस्ट पोजीशन पानी के मॉलिक्यूल्स की किस वजह से है, तो उसने जब चेक किया, टेस्ट किया, तो देखा कि जब तिलावत कुरान की जाती है तो पानी के मॉलिक्यूल अपनी बेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। अब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे बदन में 70% क्या है, पानी है। जब हम कुरान की तिलावत करेंगे तो हमारे बदन में मॉलिक्यूल कितने बेहतरीन हो जाएंगे, चेहरे पर कितना नूर आ जाएगा, जबान झूठ बोलना छोड़ देगी, गीबत करना छोड़ देगी, कान के ऊपर असरात रखता है। यही तो कमाल है इस्लाम का, जाने वतना, वो सिर्फ आपके जाहिर को नहीं सही कर रहा, वो आपके बातिन को सही कर रहा है। और यही बातें हैं जो ट्रेवल करके जाएगा उस आलम के अंदर। जाहिर तो यही, हड्डियां पोस्ट सब खत्म है थोड़े दिनों के अंदर, वहां तो कोई और निजाम है, इसको हम सही करें। दूसरा अमल तदब्बुर का है कुरान का, कि हम फिक्र करें, जितना मौका मिलता है एक आयत के बारे में सोचें, कितनी बेहतरीन है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ता, इंसान तिलावत कुरान पढ़ता है, खुदा कलाम कर रहा है अपने बंदे से, गुफ्तगू कर रहा है, आयत ऐसी आ जाती है कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि खुदा उसी से ही बात कर रहा था। कितनी ऐसी आयत आप जब पढ़ रहे होते हैं और आप तर्जुमा करें तो ऐसा लगता है कि आपसे परवरदिगार कुछ कहना चाह रहा है। और जिंदगी के सारे मसाइल चीज़ों का हल हमें बेहतरीन तरीके से कुरान दे रहा है। जहाँ अगर जाहिर आयत हम नहीं समझते तो हम अपने मुफस्सरीन को, अहले बैत ने जो तफसीर हदीस बयान किए हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं। कितनी चीज़ें हैं जो कुरान के अंदर हैं। अगर तो हमारी कोशिश थी कि बहरहाल अगर वक्त मिला तो, हमारे कुछ दोस्त बहुत जहमत कर रहे हैं कि तकरीबन शायद 4-5 मिनट के अंदर हर इस रोज़ एक पारे का खुलासा है, 4-5 मिनट में। मैं कोशिश करूंगा कल से अगर तौफीक हुई तो बयान करूँ, ताकि पता हो कि पहले बारे में क्या है, दूसरे बारे में क्या है, तीसरे बारे में क्या है, ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। जाने मतलब वो हैरी पॉटर की किताब जब रिलीज होती है लोग लाइनें लगा के खरीदते हैं, और वो सिर्फ तखयलाती नावल है, और वो भी उसमें शैतान परस्ती है सारी, और वो लाइन से लगे हुए लोग, लाइन लगती है यूरोप में किताब खरीदने के लिए। हमारे यहाँ भी बड़ा पोज मारा जाता है, जो हमारे यहाँ भी कुछ फैमिली है ना, हैरी पॉटर शेल्फ में रखते हैं कि ना हमारे बच्चे हैरी पॉटर पढ़ते हैं। वो ठीक है, पढ़े, बुरी बात है, स्टोरीज पढ़े, लेकिन जो हकीकी किताब है, एहसनुल किसस कुरान कह रहा है कि हमने बयान किए, वो हम कितना पढ़ते हैं, कितना हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, कितना हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कुरानी चीज़ों को बच्चों के लिए कितना किया हमने आज तक। अब जब मौलाना कुछ बता दे कि यूं करनी चाहिए, स्टोरी बनानी चाहिए, एनिमेशन बनानी चाहिए, सब आ जाते हैं, मौलाना साहब फिर कब बना रहे हैं आप, सारा काम मौलवी ने करना है, हमने कुछ नहीं करना, बातें करनी है, कल सारा काम मौलाना कर लिया, मौलाना अगर कुछ ले लें 4 पैसे खा गया पैसे देकर, मौलाना साहब का काम ही था पैसे, भाई ये काम प्रोफेशनल का है, मौलवी का काम नहीं है ये। मौलाना साहब बता सकते हैं, आप प्रोफेशनल को हायर करें, आप काम कराएं, आप भी तो कोई जिम्मेदारी लें, सारी जिम्मेदारी हम मौलाना ही ले लें जिंदगी की, नहीं इंसान, हर बंदे की जिम्मेदारी है माशरे के अंदर। इमाम वक्त को हर बंदा चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन को बंदा चाहिए। अब आप बोले मैं तो मसलन नॉर्मल सा आदमी हूँ, मेरा क्या काम है इमाम, मैं इमाम की कैसे, वो देखिए तेहरान में मोची था कि जिससे वक्त के इमाम ने कहा कि अगर मैं तुम्हें मिलने ना आऊं हर हफ्ते तो क्या होगा, मोची था, कहता है मौला मैं मर जाऊंगा। इमाम फरमाते हैं कि मैं जानता हूं इसीलिए हर हफ्ते मिलने आता हूं। मोची था, एक मोची इस मकाम पे पहुंच सकता है तो हम क्यों मायूस हैं कि हम इमाम के कोई काम नहीं आ सकते। अज्जा ने जुम्मे का दिन है, ज़हूर का मुतवक्का दिन है, कितना मैं परेशान हूं वक्त के इमाम के लिए, परवरदिगार से
हजरत मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते हैं कि परवरदिगार मैं तुझसे गुफ्तगु करता हूँ, तुझसे कलीमुल्ला यानी अल्लाह से कलाम गुफ्तगु, तो क्या कोई और भी गुफ्तगु करेगा? तो परवरदिगार ने कहा हाँ, एक ऐसी उम्मत होगी मूसा कि तुम जो मुझसे गुफ्तगु करते हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान में 70 हिजाबात हैं, 70 हिजाब है जब तुम मुझसे गुफ्तगू, लेकिन एक उम्मत ऐसी होगी कि वो अफ्तार के वक्त मेरे और उसके दरमियान में कोई हिजाब नहीं होगा और वो जो भी दुआ मांगेंगे मुस्तजाब होगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। कितना बेहतरीन मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहां हजरत मूसा नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर इस उम्मत का रोजेदार पहुंच रहा है। मगर हम उस वक्त क्या कर रहे होते, जितनी जल्दी मिल जाए जितना ज्यादा खा लें। अरे आप खाना सारी जिंदगी खाना है, असल तो ये मानवीय खाने हैं, ये कौन खाएगा, ये नहीं मिलने फिर कहीं। क्या मैंने उस वक्त, आज भारत दूसरा रोजा था इंशाल्लाह आइंदा रोजे बाकी है अभी, क्या मैं उस वक्त जहूर की दुआ मांग रहा हूं कि नहीं मांग रहा? पहली दुआ हमारी जहूर इमाम की होनी चाहिए। क्यों? जब तक मेरी सारी दुआओं, ख्वाहिशात, मेरी प्रायोरिटीज, सब कुछ पर अगर वक्त का इमाम इंपॉर्टेंट होगा तो मैं फिर कामयाब हूं, वरना मैं कामयाब नहीं। आपको बोला जाए जैसे फेरी टेल में होता था ना कि तीन दुआएं मांगो कबूल हो जाएंगी, तो मैं पहली क्या मांगूंगा? आप अपने आप से दिल में पूछे, मैं आपसे क्या, मैं आपके सामने तकद्दस मां भी तो नहीं कर सकता कि मैं आपके सामने बैठा हूं तो नहीं। आप अपने आप से पूछे, बोला आप घर मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, या कोई बहुत बड़ी नौकरी मांगेंगे, या बोलेंगे ये मेरा काम हो जाए वो। देखिए मैं इंडिविजुअल, मेरी सारी परेशानियां फर्दी हैं, लेकिन जहूर का हो जाना आलम की परेशानियों को खत्म करेगा। यहाँ खुदगर्जी नहीं होनी चाहिए, करबला को मानने वाले खुदगर्ज नहीं है, करबला सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, इशार है। करबला वो रास्ता दिखा रहा है कि तुम्हें अपना कुछ नहीं, सब अल्लाह का, सब खुदा का। जो इमाम है उसके गिर्द घूमते रहो, और इमाम के गिर्द करबला वालों ने घूमकर दिखाया, तीर खा लिए, सब खा लिए, मगर इमाम को तीर नहीं लगने दिए जब तक जिंदा थे। ये कमाल है। सारी जिंदगी अगर हम इस दरख्वास्त को सुनते रहे और अपने वक्त के इमाम के ऊपर कुर्बान ना हो पाए तो फिर हम क्या कर रहे हैं जाने मोहतरम। आगा बनायान के जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं ईरान के, वो कहते हैं कि मसाम जी दुआ करते हैं कि इमाम से जरूर हो, इमाम की ज्यारत हो जाए, इमाम आ जाए। तो कहते हैं मतलब इमाम को देख लिया, यानी देखना है इमाम को, यानी आप समझते हैं इमाम को मैं देख लूँ, इमाम को मेरी ज्यारत हो जाए, मैं इमाम को मिल लूँ, यानी फिर क्या होगा, फिर आप अपने घर चले जाएंगे आप, यानी क्या करेंगे आप? आप बोलेंगे नहीं, अच्छा मौला मैंने आपको बस देखना था, मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरे अपने बहुत सारे काम हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा स्कूल है, मेरी यूनिवर्सिटी है, ये करेंगे? या वो करेंगे जो हजरत अकील के भाइयों ने, हजरत मुस्लिम के भाइयों ने शबे आशूरा कहा था, जब मौला ने कहा कि चले जाओ तो कहा मौला 70 दफा मारा जाए, 70 दफा जिंदा किया जाए, मां तरक्तो का या हुसैन, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके बगैर खाक हो ऐसी जिंदगी पर जो आपके बगैर है। तो क्या हम रेडी हैं इमाम जमाना के लिए कि इमाम आ जाए तो हम इमाम को देख के वापस चले जाएंगे? जबकि दुआएं नुदवा में पढ़ते हैं कि इमाम आएंगे, हम इमाम के गिर्द घूमेंगे जब तक इमाम कामयाब नहीं हो जाते। कामयाबी यानी जाहिरी कामयाबी, यानी जो उनकी हुकूमत है, जब तक वो नहीं है मैं इमाम को कैसे छोड़ के जाऊंगा? यानी मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरा घर रो रहा है मौला। तो करबला में भी तो ऐसे वाकयात पेश आए थे, जो अपने घर और खानवादे के लिए गया तो वापस नहीं आया, फिर वो करबला आने वाले आए, अभी इब्ने मज़ाहिर आए, ज़ुहैर इब्ने कहन आया, अपने घर को छोड़कर आए। क्या मैं ये जो तकवा परहेजगारी ये रोजे किस लिए है अज़ीज़ाने मोहतरम? कितना सवाब, सवाब कहाँ लेके जाएंगे? जन्नत में जाएंगे तो सवाब मिलेगा ना,
आप अपने एक कार्ड में, वीजा कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में या किसी डेबिट कार्ड में जो पैसे डालते हैं कि मैं फलानी जगह जाऊंगा, कार्ड यूज करूंगा, लेकिन वहां अगर कार्ड की मशीन ही नहीं है तो क्या करेंगे आप उसको कार्ड कहां स्वाइप करेंगे? कार्ड अपना मशीन ही नहीं है वहां पे, तो आप कार्ड में जितने पैसे डालते रहे वो बेकार है आपके लिए। तो जिस जन्नत की तमन्ना में सवाब कमा रहे हैं, अगर जन्नत में जाने का मौका ही नहीं मिला तो कहां लेके जाएंगे सवाब? और जन्नत जब तक नहीं मिलनी जब तक सरदार जन्नत राजी ना हो, और जब तक हुसैन का बेटा, हुसैन का वारिस जिंदा है, अजीजाने मोहतरम जिंदगी की कोई और तमन्ना नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे तमन्नाएं कर रहा हूं अपनी जिंदगी में वक्त के इमाम के बगैर? मथा तराना, मैं कब देखूंगा आपको इमाम? अजीजों ने लिया, मैं पूरी मखलूक को देखता हूं मगर मैं आपको नहीं देख पा रहा। कितना तड़पता हूं मैं। एक आलिम दीन ने वाकया बयान किया, ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, कोई 50-60 साल पुरानी बात उन्होंने बयान की कि खुरासान मशहद से वो वहाँ रहने वाला था और वो कहता है मैं एक दिन सामान लोड करके जा रहा था और शदीद सर्दी थी, बर्फ पड़ नहीं रही थी लेकिन सर्दी ऐसी थी कि इंसान जम जाए। तो कहता मैं निकला और हाईवे पर तो अचानक से मेरा जो ट्रक था वो बंद हो गया। अब मैं बाहर निकला और मैं खुद मैकेनिक भी था, मुझे सब पता था, मैंने पूरी कोशिश कर ली जितना मैं जा हो सकता था कि यहाँ मसला होगा यहाँ मसला, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और इतनी सर्दी थी कि मैं अगर थोड़ी देर बाहर रहता तो मुझे पता था कि मैं मर जाऊंगा। और जब मैंने देखा कि अब गुरूब के करीब हो रहा है तो मैं कुछ करूं, लेकिन मैं क्या करता? कहता मैं आकर अंदर बैठ गया कि कम से कम अंदर फिर भी थोड़ी सी तो गर्मी है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने गुरूब तक कुछ नहीं किया तो आज रात को मेरा जनाजा है यहाँ से। इतनी सर्दी थी और मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कहता है मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों के चेहरे आने लगे जिन्हें मैं खुदाफेज कर कर आया था, और ये था कि अब मैं इनको नहीं देखूंगा और अपनी बहुत बहुत सारी चीज़ें मुझे जिंदगी की याद। हमारे साथ भी होता है ज़िंदगी में इंसान कहीं ना कहीं फंसता है ऐसी मुश्किल में कि जहाँ उसे अपने अमाल नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी कोताही थी। तो कहते हैं उस वक्त मुझे मेरे अमाल आना शुरू हो गए, मैं नमाज के मामले में कोताही करता था, कभी रह जाती थी, कभी देर से पढ़ता था। ये मेरे अंदर एक बुराई थी। और एक और बुराई थी जो मेरे अंदर थी, उसका वो आलिम दीन ने भी जिक्र नहीं किया कि वो ये दो चीज़ें मेरे अंदर कमजोरियां थी। तो मैंने वहीं पर वक्त के इमाम को पुकारा, या इमाम ज़मान अग़िसना, मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद अपना ये गुनाह छोड़ दूंगा और नमाज अव्वल वक्त पढ़ूंगा। कहते ये मैंने अभी किया और खुदा की बारगाह में बड़ा गिरिया कि खुदा मुझे माफ़ कर, मुझे इस चीज़ से निकाल। तो मैंने देखा कि सामने से कोई शख्स आ रहा है जिसके हाथ में पाना है, तो मैं समझा कि शायद कोई और ड्राइवर है कि जिसकी अपनी भी गाड़ी वाड़ी कोई ख़राब है। जैसे ही आया तो मैं उसने मेरे शीशे के पास आकर कहा कि मुझे कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा कि कह रहा है मैं सही करता हूँ। कह रहा नहीं हो, कह रहा नहीं मैं करता हूँ, तुम सेल्फ करो। कहता है मैंने जैसे ही उसने कुछ किया थोड़ी देर में मैंने देखा ट्रक स्टार्ट हो गया। वो वापस आया और शीशे के पास खड़े होकर कहने लगा, तो मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया, चलो मैं आपके साथ चलकर आपकी गाड़ी भी अगर मुश्किल हो। कहते नहीं मेरी कोई मुश्किल नहीं है। कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, आपने मेरे लिए मदद की है तो मैं कोई ना कोई तो आपकी मदद करूं, मेरे पास कुछ पैसे वैसे जो थे। मैंने कहा जो, तो कहना नहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उस अहद पर कायम रहना जो तुमने किया है। कह रहा ये मेरा सुनना था तो मेरा बदन खुश्क हुआ और मैं इतना भी अदब ना कर पाया कि मैं बाहर निकलता, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आया कि मैं बाहर निकल कर पाँव में पड़ जाऊँ जब तक वो शख्स गायब हो चुका था। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहता है फिर मैं घर गया अपने, मैंने घर में अपने बच्चों को बीवी को जमा किया, कहा के देखो आज से पहले जो जिंदगी थी वो थी, आज के बाद जिंदगी बिल्कुल तब्दील है।
बेगम को बोला, अब तुम्हारा हिजाब सही होना चाहिए, अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से तुम्हें खुदा हाफिज। बच्चों को घर वाला, घर वाले बोला हम तो पहले से अच्छे थे, तुम खुद अच्छे नहीं हो रहे थे। फिर अपने एक दिन कहता है कि मैं अपने जहाँ वो ट्रक लोड करता था तो वहाँ पर अजान का वक्त हुआ, तो मैंने बोला कि भाई नमाज पढ़ने चलो, तो सबने बोला खाना खाने चलो। कहता नहीं, तो सबने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि भर, क्योंकि नमाज का मजाक हो रहा था तो मैंने उन्हें वाकया सुनाया, सबने मुझे माफ़ी मांगी मुझसे, और सबने वहीं पर बाजमात नमाज पढ़ी, और फिर उसके बाद चलते ही कहा। अजीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह काजी तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने ये दावा किया था कि जब इमाम का ज़हूर होगा जो सवाल इमाम से किए जाएंगे वो मैं जानता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई अव्वल वक्त नमाज पढ़े और किसी मकाम पर ना पहुँचे तो कयामत में मेरे गरेबान को पकड़े। सिर्फ एक काम, नमाज। खुदा है जो ट्रेवल में है, कहीं ऐसी जगह काम करता है जहाँ पाकी नापाकी का मसला है, कुछ है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, पढ़ सकता हूँ और बैठा हुआ हूँ, अफ्तारी है, खूब पहले नमाज पढ़े, एक पढ़ लें, सुन्नतें ना पढ़े, दूसरी नमाज बाद में पढ़ लें। लेकिन इस भूखे पेट जो मानवियत से पुर आपका वजूद है उसमें सजदा करें, उसको उसका कई और अजर है, जानू कई और लेके जाएगा आपको, यानी वो आपका अहमियत दिखाएगा कि तुमने लबैक कहा है हैया अल सला पर हैया अल फला पर, तुमने शिकम की तरफ नहीं पड़े हो, तुम सजदे की तरफ पड़े हो। यही तो वो सजदा था जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी करबला में, इसी का तो तौहीद का तो मसला था सारा, तौहीद का इनकार कर रहा था यजीद बैठा हुआ, वही को कह रहा था कि सब ढोंग है बनी हाशिम का, मगर वहां पर उसी घराने से निकला कि जिनके घरानों में रसालतें उतरी हुई थी, वही घर निकला जिसके घरों के अतराफ में मलाइकाओं का आना जाना था, वही शख्स निकला जो मादने रसालत थे। उन्होंने दीन को बचाया, कौन दीन के लिए उठा, कोई नहीं उठा। और उसके उनके मानने वाले अगर अपनी इबादतों में कोताही करें ऐसा, और हमारी अपनी शर्मिंदगी है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाए कायनात तब भी मौला थे जब 25 साल बैठे रहे, मौलाए कायनात तब भी मौला ही रहे जब वो 4 साल हुकूमत में रहे, मौला को क्या फर्क पड़ता है। वो तो मौला अंबिया का मौला है, अंबिया को रसालत नहीं मिली जब तक नबूवत अंबिया ने सबने विलायत का इकरार नहीं किया, उसे क्या फर्क पड़ता था कि लोग ना माने या ना माने। बात बात ये कि उम्मत के अपने वफात की बात थी, उम्मत अगर आज खुद कामयाब होना चाहती है अपने वक्त के इमाम को माने, और ये मुश्तरक है सारे जितने जिंदा अदियान है उन सब में ये चीज मुश्तरक कॉमन है कि एक शख्स का इंतजार किया जा रहा है, एक ही शख्स है, खुसूसियात एक ही हैं, किसी ने कम बयान किए किसी ने ज्यादा बयान किया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे मकतब में उस शख्स की खुसूसियात के अलावा उसका शजरा, उसका नसब, उसका नाम, सब कुछ हमारे पास है। हम खुशकिस्मत हैं हम लोग। ये आप दुआएं दें अपने अबाउजदाद को कि उन्होंने नेकियां की थी जो आज हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं, ये उनकी नेकियों का सबब है, मेरी कौन सी नेकियां हैं, ये उनकी नेकियां हैं कि जिनके सलबों में मैं आया हूं यहां तक। जाने मतलब इस मौकों को जाया नहीं करें, हक पर जिंदा रहना और मर जाना कमाल है। मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा जैसा भी था अभी कैसा हूं, ये मुहिम है। तो हम बहरहाल अपने इस वक्त के इमाम के लिए बड़ा सा टाइम, ये सब नमाजें रोजे दुआएं सब किसके लिए, इमाम के लिए, मौला आपके लिए है। कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में अगर आप नहीं है, और अगर आप हैं तो चाहे पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए मेरे लिए सब कुछ है। यही तो करबला, यही तो कमाल है जाने मतलब करबला कि सब छोड़ जाते, थोड़े से रहे इमाम के पास, और थोड़े से कितने थे ऐसे रहे कि आज हम हर नमाज के बाद सलाम करते हैं। आज ये शौदाए करबला का रास्ता
हमारे लिए जिंदगी की हकीकत का रास्ता है, यही रास्ता है, यही यही मातम, यही आजादारी। ये ना हो तो आज हम कहां होते। ये तो खुदा ने तौफीक दिए कि हमें इस दर से जोड़ के रखा है अजीज़ आने मातम। ये वो दर है कि जो यहां पे भी बचाएगा वहां पे भी बचाएगा। यही कमाल है कि हम इन दरों पर उस तवाज़ु के साथ जाएं जैसे लोग आए थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर को जब खत मिला है मौला का, तो हबीब के खत पे कुछ लाइनें थी खाली, तुलानी खत नहीं था। सलाम एक तो इमाम ने किया, फकी कहकर पुकारा हबीब इब्ने मज़ाहिर को और कहा कि हम कर्बला में हैं, हमसे आकर जुड़ जाओ, बेवस्त हो जाओ, इसका अजर तुम्हें रसूल खुदा देंगे। अजीब तुम्हें, मैं दूंगा ये नहीं कहा, कहा रसूल तुम्हें इसका अजर देंगे। हबीब ऐसा हो गया जैसे आग लग गई हबीब के अंदर, हबीब सबर नहीं कर पा रहा। मैं और आप अजीजाने मोहतरम, हम इसको दर्क नहीं कर सकते करबला। इसीलिए तो कहा जाता है कि पुर माना खेज बयान हो मिंबर से, ताकि रूहे करबला पहचाने रूहे करबला क्या है। यानी हर शख्स करबला में अपनी जान के लिए तैयार था, मैं पहले दूंगा। वो कहता है मैं पहले दूंगा, और ये मेरी जिंदगी में अगर नहीं आ पा रहा तो मैं करबला नहीं सही समझ रहा। हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं रुक पाया, निकल गया। अपने गुलाम को बोला जाओ सवारी लेकर शहर से बाहर खड़े हो। शहर में पहरे थे, सख्तियां थी, बाहर गए, जाकर गुलाम को बोला जाओ वापस जाओ। गुलाम भी गुलाम थे, अजीब गुलाम थे। कहते मौला सारी जिंदगी अपने हबीब इब्ने मज़ाहिर को वो अका थे, उनको खा मौला सारी जिंदगी आपके साथ रहे, अब जब कुछ हासिल करने का वक्त आया तो आप कह रहे चले जा। अजीब है जो मैंने सुना। रावी बयान करते हैं किस तरह के, हमने बयान करने वालों ने इसको बयान किया कि सवारी एक ही थी और दो सवार थे। कभी हबीब सवारी पर होते थे, गुलाम दौड़ता जाता था, कभी गुलाम सवारी पर होता था, हबीब दौड़ता चला जाता। अजीब इश्क था करबला में, यानी मुंतजर थे कि कब पहुंचेंगे इमाम तक। और जब पहुंचे हैं अजीजाने मोहतरम, तो एक अजीब धुआं उठता हुआ धूल उठती हुई नजर आई। और जब हबीब पहुंचे हैं तो खेमों के अंदर जब आई कि क्या सरो सदा आ रही है, तो बीबी को बताया गया कि हबीब आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बीबी ने जाकर कहा कि मेरा सलाम हबीब तक पहुंचा दे। जब हबीब को यह पैगाम मिला कि सैयद जाती ने आपको सलाम पहुंचाया, हबीब ने खाक उठाई और अपने सर पर मारी कि क्या वक्त आ गया है, अरे अहले हरम अब हमको सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ अजीज़ाने मोहतरम, वक्त ऐसा ही आ गया था। एक एक शख्स जो पैवस्त होता था, अहले हरम को बड़ी उम्मीद होती थी, उधर लश्करों में हजारों की तादाद थी, इधर कोई एक भी आता था तो अहले हरम बड़े खुश हो जाते थे। बीबी शायद यही सोचती थी क्या मेरे भाई का कोई भी जानने वाला नहीं है, क्या मेरे भाई का कोई मददगार नहीं आ रहा। हाँ आज़ादारण मोहतरम, न जाने किस तरह की जंगे हुई। ये शबे आशूरा सहाबी कहने लगे कि देखो पहले अपनी जाने देना, कहीं अहले हरम में बनी हाशिम में कोई ना जाए। वहां मेरा मौला अब्बास खैमों में बनी हाशिम को बिठा कर कहता है, फरमाते थे कि देखो ये हमने इनको मेहमान बुलाया है, कहीं ये हमसे पहले ना चले जाए। अजीब खैमों के अंदर हर माँ अपने बच्चे को कहती है, देखो बेटा कल कहीं देर ना कर देना, कहीं कुर्बानी में देर ना कर देना। हाँ आज़ादारण मोहतरम, यही शबे आशूरा का हाल था। रोजे आशूरा आया और फिर मैं जुम्मे का दिन है, कुछ जुमले वक्त के इमाम के आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। जब दिन गुजर गया, रोजे आशूरा गुजर गई, शामे गरीबा आई, कितनी मुश्किल है। हम तो रोजे आशूरा अपना गम समेट कर चले जाते हैं, लेकिन अहले हरम के लिए गम शबे शामे गरीबा से शुरू हुआ। अब मेरी एक बीवी एक बच्ची को ढूंढती ढूंढती मकतल पहुंची है, तो देखा एक तन से सर जुदा बदन पर बच्ची लेटी हुई सो रही है। बीबी ने जाकर बच्ची को उठाया, कहा बेटा तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारे बाबा का बदन है। कहा कि मैं पुपी जान, मैं अपने बाबा को आवाजें दे रही थी मक्तल में, एक इस बदन से हाथ बुलंद हुए, कहा इलैया इलैया,
अरे बेटी हमारे तरफ आ जाओ, अरे मेरे वक्त का इमाम ज़ियारत नाइया में कहता फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक अपनी रंगत बदलते रहे। پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تھا جی لطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی مشکلات اور اپنی کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد کامیابی عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار جو بھی جہاں بھی عزاداری مجلس ماتم ہو رہا ہے، درس ہو رہے ہیں، ایام ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، پروردگار ان سب جگہوں کی، ان سب مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، انتظامیہ ہو، کوئی بھی لوگ ہیں، سیکیورٹی ہے، جہاں بھی ہیں، ان سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرما۔ جو بھی پریشان حال ہیں، خاص طور پہ حاضرین مجلس جو لوگ ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو اہل بیت کے صدقے میں دور فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کچھ کینسر کے ہیں، کچھ لیور پلانٹ کے ہیں، کو کوما میں ہیں، پروردگار ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، اور جن کو اللہ نے اولاد دی انہیں صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ، مدینہ، مکہ، خانہ کعبہ، اس کے علاوہ عراق اور جو ہے وہ باقی زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اس سال شب قدر میں ہمارا جو رزق پروردگار تو لکھ ہمارے لیے ان اچھے مقامات کی زیارت کی توفیق جو ہے وہ ہمارے نصاب میں لکھی جائے۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ان ایام میں ہو رہی ہے تو پروردگار خود ہی ہماری رہنمائی فرما۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو جو ہم ایام میں روزہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے اس مہینے کو ہمارے دوسرے مہینوں سے بہتر قرار دے۔ پروردگار دنیا میں امن و ایمان قائم رکھ اس مہینے کے صدقے میں، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام مراجع، تمام شہداء، خاص طور پر استاد سبت جعفر کو، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، اور ایک خاتون کا جو سبت فاطمہ جن کا بھی ریسنٹلی انتقال ہو، ان سب کے ذکر پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔